जो मैं बोलूंगा इस बात को स्मृति में रख करके बोलना चाहिए, स्वरूप में रख करके बोलना चाहिए। ओ किसी भी परिस्थिति में, गंभीर परिस्थिति में भी ओम शांति का शब्द उच्चारण करेंगे वहां का वाइब्रेशन ही अलग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शांति का शक्ति फैलेगा। जैसा बाबा कहने से एक जादू हो जाता है, वैसा ओम शांति मंत्र भी उच्चारण करने से एक जादू हो जाता है। साइलेंस शक्ति के आधार से ही साइंस बना हुआ है, आप सबको मालूम है। साइलेंस शक्ति से हमारा जो भी जीवन में प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वह प्रॉब्लम साइंस भी सॉल्व कर नहीं सकता है। साइलेंस शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। आजकल साइलेंस साइंस के आधार से बहुत सारे साधन यंत्र बनाए हैं, इस यंत्र चलाने को भी एक केंद्र चाहिए। जैसा रेडियो है, रेडियो चलाने के लिए रेडियो स्टेशन चाहिए, कार बनाए, टेप रिकॉर्डर बनाए, अलग अलग चीजें बनाए, लेकिन मनुष्य का आवश्यकता है, नहीं तो वो चलता नहीं। साइंस शक्ति से इतना अद्भुत शक्ति है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1947 में जो इंडिपेंडेंस दिया महात्मा गांधी जी ने, उसको ये शांति का मंत्र से ही दिया हुआ है। इससे आपको महसूस होगा, मालूम पड़ेगा कि बाबा ज्ञान योग से और ये शांति का मंत्र से ही विश्व को स्वर्ग बनाने वाला है, या आप जानते हो। इसी कारण से शांति को हम बहुत महत्व देना चाहिए। शांति का शक्ति से ही हम जो चाहिए वो कर सकते हैं। दूसरा, आज का वरदान में, आज का वरदान में क्या बताए थे, मुरली का वरदान में जुम्मेवारी जुम्मेदारी उड़ा करके बाबा को अर्पण कर देंगे तो हम सहज ही डबल लाइट बनेंगे। डबल लाइट माना ही परिश्ता, बाबा ने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। डबल लाइट माना
लाइट एंड माइंड, लाइट एंड माइंड। लाइट जो है हवरदा, माइंड माना शक्ति, ये दो का उपयोग हम करेंगे, हम अवश्य परिष्ठा जैसे एक पांच तत्वों का धरती से समझो, ये शरीर से समझो, हम ऊपर उड़ेंगे। जैसे हम उड़ेंगे वैसे हम परिष्ठा लोक जाएंगे, ये साकार दुनिया से परिष्ठा लोक जाएंगे, परिष्ठा लोक से निराकार लोक जाएंगे। इस कारण से परिष्ठा बनने के लिए हमको बहुत जरूरी है। ये हमारा अभी जो बाबा का ज्ञान मिलने के बाद हम क्या बन गए, पहले हम शूद्र थे, पांच विकार वाले जो भी है दुनिया में वो सारे शूद्र है। अभी शूद्र से हम ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण से हमको परिष्ठा बनना चाहिए, परिष्ठा बनने के बाद ही हम देवता देवी देवता बने। इसलिए हमको परिष्ठा बनने के लिए जो जो पुरुषार्थ बाबा ने बताया हुआ है उस टाइम से पुरुषार्थ करने का आवश्यक है। मैं आपको मेरा स्वयं के तरफ से, बाबा के तरफ से आप और भाई बहनों को, प्रकाश भाई जी को और सारे आप भाई बहनों को शुभ भावना देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। बाबा आपको सद्विचार सद आचार सदा काल के लिए देते रहे, आपका जीवन उद्धार होते रहे, आपको आरोग्य हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सदा के लिए मिलता रहे, ऐसा बोलते हुए बाबा के याद में इस बातों में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाई जी ने अपना दिल के उद्गार बड़े प्यार से बताया, और आपको इनके लिए भी विशेष में ताली इसलिए बजाना चाहूँगा, पूरी बात तो सुनिए, वो ताली बजाने का आदत भी हो गए, मैं बात ही नहीं बताया। भाई साहब हिंदी बाद में सीखे, कर्नाटक वालों को हिंदी नहीं पता रहता, जैसे उमा दीदी को भी हिंदी अक्षर यही आके सुन देखा यूपी में, लेकिन इतना सुंदर उन्होंने अपने हिंदी भाषा में अनुभव सुनाया, मैं भी नहीं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि खजाना बहुत है उनके अंदर, थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं समझता आपको सबको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आप ताली बजाइए।